हाँ, एक कर ली है। व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? मनीषा जा रही है, मनीषा जा रही है। बाय गुन्ना, बाय कर लो। आप चलिए ना, देखिए कैसे आप दे देना। बाय ध्यान रखना, ठीक है बेटा? निकलो, चलिए। तो भाई अभी निकल रहे हैं हम लोग, बाय बाय। ओके बताएंगे, चलो बाय। ओके जूता ले जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से भोपाल। तो आज भोपाल जा रहे हैं हम लोग किसी काम से, और वो काम उम्मीद है कि अच्छे से हो जाएगा। चलिए आ गई हमारी कैब भी, सीधे अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग पहले एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से फिर हम लोग आगे निकलेंगे अपना जहाँ मंजिल वहाँ के लिए। तो चलिए अभी आ गए हैं यहाँ एयरपोर्ट, और चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो गाइस अभी यहाँ पे देख रहे हैं हमारा भी टिकट हो गया है भोपाल का, और अभी हम आ गए हैं एयरपोर्ट। बाकी इधर मम्मी आ रही हैं, अभी हम चल रहे हैं, अभी हमारी बारी आने वाली है, तो बस थोड़ी देर और हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी आ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। और ऐसे जाना पड़ रहा है, फोटो नहीं ले रहे। क्या कर रही हो, वीडियो बना रही हो? चलो बनाओ जरा, फोटो खींच रही हूं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, और मुस्कुराते हुए नए चेहरे के साथ चलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ सकती है, तो ज़िंदगी भी अच्छी जा सकती है। तो मुस्कुराते रहो यार, बाकी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, और डट के सामना करना पड़ता है। तो अभी हम चल रहे हैं फ्लाइट में बैठने, और बाकी जैसा भी होगा आप लोगों से शेयर करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल, ठीक है। तो अभी तो भोपाल पहुंच के ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को भोपाल में एक फ्लैट लेना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे आवागमन लगा रहेगा। अच्छा है फिलहाल, अभी चलते हैं, उतरते हैं फ्लाइट से। बाकी लोग खड़े हो गए हैं उतरने के लिए सब लोग। हम तो नहीं चाहेंगे कि भोपाल में फ्लैट भी लेना पड़ेगा, हम और रहना हम बिल्कुल नहीं पसंद कर सकते। एक एक्सपीरियंस है सारा, कुछ नहीं कह सकते। तो अभी एयरपोर्ट से हम लोग निकल रहे हैं भोपाल एयरपोर्ट से, और चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। इधर ये भी है, इधर सब कोई है। हमारा बहुत ही जल्दी एक स्पेशल ब्लॉग आएगा।
हमको लग रहा है लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं जब मैसूर गए थे तब, जब मैसूर गए थे तब आए हैं। तो अब यहाँ से हम लोग कैब बुक करते हैं और आगे की तरफ निकलेंगे। बाकी मम्मी इधर आ रही है, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है। हम सुंदर नहीं दिख रहे, यही से हमारा ब्लैक डे स्टार्ट हुआ था। प्लीज यूज रियर सीट बेल्ट फॉर योर सेफ्टी। तो अभी हम लोग हैं ट्रेन में, आए थे फ्लाइट से और अभी जा रहे हैं ट्रेन से। तो देखते हैं कब तक पहुंच जाएंगे हम, सुबह हमको लग रहा है पहुँच जाएंगे। और मम्मी भी उधर हैं, बाकी मनिका दीदी भी उधर है। सीट थोड़ा इधर उधर हो गया है तो अभी हम इस सीट पे बैठे हुए हैं। खाना पीना काफ़ी लेट हो जा रहा है खाने में और इसीलिए हेल्थ में इतना डाउन हो जा रहा है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट में भी कुछ लोग मिले जो कि हम लोगों के वीडियोस देखते हैं, तो वो भी बोल रहे थे कि यार आप लोग कितने पतले हो गए हो, जल्दी से जल्दी सब कुछ करो। तो अभी हम इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ डीपली नहीं बताएंगे, बट अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। लेकिन एक चीज़ याद रहेगा कि यार बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, और भी मेरा लास्ट शब्द है बहुत बुरा हुआ। बाकी इसके आगे अभी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। और पता है कि अच्छा हुआ, अच्छा तो हुआ लेकिन गलत हुआ। और गलत हुआ पता है क्या, अभी क्या बोलने वाले थे ना, बहुत अच्छा चीज़ कुछ बोलने वाले थे यार, भूल ही गए। पता है ज़िंदगी में हम कभी ऐसा सोच ही नहीं थे कि हमारे साथ कभी ऐसा होगा, क्योंकि जो इंसान हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, तो वो चीज़ें अब शायद नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये जो दुनिया है ना भाई साहब, अब समझ में आ रहा है कि बहुत मतलबी है, सिर्फ मतलब के रिश्ते हैं, मतलब के लोग हैं, फरेबी दुनिया है। तो इस दुनिया में भाई अपना ही देखो, वही सही है। और आज आप लोगों को, सब जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं ना, सबको दिल से थैंक यू बोलेंगे कि आप लोग बहुत पहले ही ये आईना दिखा रहे थे लेकिन समझ नहीं आता था, क्योंकि जो इंसान करता है ना उसको समझ नहीं आता था, ना आता है। तो एक होता है ना ह्यूमन नेचर इंसान के अंदर होना चाहिए, इंसानियत तो है नहीं लेकिन कहीं कहीं ज़िंदा भी है। खैर अब इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जब वक्त आएगा तो। अभी हम वीडियो में कुछ नहीं बोल सकते हैं लेकिन मेरे पास भी है बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, क्योंकि हम अभी अपने लिए स्टैंड लिए कहाँ हैं, अभी ले रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारे शेयर कीजिएगा। अब मेरे को तो वैसे भी बहुत लोग परेशान कर चुके हैं, वो भी अभी नहीं 1.5-2 सालों से, तो अब मेरे को नहीं होना है भाई। हम वैसे ही परेशान हैं और दूसरे के लिए हम अपना हेल्थ डाउन किए, हम अपना पढ़ाई लिखाई छोड़े, हम भी बहुत कुछ खोए हैं। तो अब कोशिश करेंगे हर चीज़ करने का, और अब देखते हैं अगर बीच में फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो डर नहीं है, सब चीज़ से डट के सामना करेंगे। क्योंकि अब लोगों ने बोला कि यार मनीषा बच्ची बन के मत रहो, लोग मूर्ख बना के ना चले जाते हैं, तो औरत बनो। तो इसीलिए औरत बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।